शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में गुरु नानक देव जी के 550 साला प्रकाश पर्व पर समागम आयोजित किया जा रहा है। इस समागम में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस समागम के दौरान पहाड़ों में हाथी पहुंचाया गया, जो सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रक्तदान शिविर के माध्यम से 550 यूनिट रक्त इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। वैसे तो नवंबर माह में गुरु पर्व मनाया जाता है, लेकिन शिमला में मौसम के हिसाब से 28 व 29 नवंबर को यह मनाया जा रहा है। शिमला गुरु सिंह सभा द्वारा नगर कीर्तन के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी निकाली गई, जिसको मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंधा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव द्वारा दी गई शिक्षाओं ने शांति, भाईचारे एवं आपसी सौहार्द का संदेश दिया है। उन्होंने इस मौके पर सभी को बधाई भी दी। वहीं गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने बताया कि इस दौरान सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा, प्लास्टिक का समागम में प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस शुभ अवसर पर जगह जगह गुरु के लंगर भी लगाए गए हैं। रहने वाला है साढ़े 500 साल प्रकाश पुरब गुरु नानक पातशाह जी का मनाया जा रहा है। तुम देख सकते हो कि संतान का हुंगारा, इतनी बरसात होने के बावजूद भी जो संतान जोश है देखने लायक है, इतनी बारिश भी लोग चले पे हैं। ये हूँ सीएम साहब आके पालकी रिसीव करके पंडाल को पहुँच के 9:30 तक कीर्तन दरबार होगा, जिसे भाई साहब है निर्मल सिंह जी, भाई साहब गुरप्रीत सिंह जी, डॉक्टर सुखबीर सिंह जी के पोल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।